हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट टीचिंग मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड कोहलरौश लॉ। हिंदी में इसको बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता और कोहलरौश का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में ही इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हर बार एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। देखो, इसके बारे में अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा लैम्डा, एम से इसको शो करते हैं, लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। और इस पर हमने डायल्यूशन का इफेक्ट भी आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में। अगर हम डायल्यूशन बढ़ाते जाते हैं तो लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती जाती है। लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डायल्यूशन। और देखो, हमने बताया था कि डाइल्यूशन जो है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना रखा है उसमें हम सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने पानी में अगर NaCl घोल रखा है तो उसमें हम और ज़्यादा पानी मिला रहे हैं, तो इसका मतलब हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। अब देखो, जब हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे NaCl का सॉल्यूशन में, हम पानी और ज़्यादा मिलाएंगे तो क्या होगा, पतला हो जाएगा। और जब पतला होने का मतलब क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन जब हम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होती है। जितना डाइल्यूशन बढ़ाएंगे उतना ही कंसंट्रेशन कम होगी, डाइल्यूशन कम करेंगे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो हम इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं इसको कि कंसंट्रेशन जो होती है वो डाइल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब बात करते हैं हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या चीज़ है। देखो दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते जाएँ तो डेल्टा एम की वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बढ़ती ही रहेगी, एक लिमिट तक वो बढ़ती है। हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, डेल्टा एम बढ़ता जाता है, लेकिन एक वैल्यू पर आकर डेल्टा एम की वैल्यू फिक्स हो जाती है, वहीं पर हम उसको कह देते हैं जो डाइल्यूशन उस टाइम होता है उसको हम कह देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और वहां पर जो डेल्टा एम की वैल्यू होती है उसको कह देते हैं हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जब वो डाइल्यूशन आ जाता है, वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम बोल देते हैं जीरो कंसंट्रेशन। मतलब इतना पतला हो गया सॉल्यूशन कि उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई, उसको हम बोल देते हैं जीरो कंसंट्रेशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन एक ही बात होती है। जीरो कंसंट्रेशन बोल दे इसमें तब भी वही बात है, या इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दे तब भी वही बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है। अब देखो, इसको हम मेज़र कैसे करते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। हम जो अगर किसी भी सॉल्वेंट में इनको डालेंगे, मानो वाटर में हमने NaCl डाला, NaCl और KCl क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगर हम NaCl को वाटर में डालेंगे तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, इसके साथ जो सारे मोल्स आयोनाइज हो जाते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें डेल्टा एम और रूट कंसंट्रेशन के बीच, देखो रूट कंसंट्रेशन मतलब क्या है, मैं इसमें डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो कंसंट्रेशन कम होगी। बोरमन बताया था डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन कम होती है, तो कंसंट्रेशन जब कम होगी ये पीछे को आएगा तो ये ग्राफ ऊपर जाता है। मतलब कंसंट्रेशन कम हो रही है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो ग्राफ ऊपर को जा रहा है, मतलब डेल्टा एम बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते बिल्कुल सीधे एक स्ट्रेट लाइन इसमें आ जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज होता है। इनके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 1 होता है, अल्फा की वैल्यू इनके लिए 1 होती है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन आई है अगर हम उसको थोड़ा सा पीछे हटाएं, देखो मैंने यहाँ पर जो है डॉटेड लाइन से इसको पीछे हटाया हुआ है, तो ये हमारा वाई एक्सिस पर जाकर ये लाइन मिल जाती है, मतलब डेल्टा एम वाला जो एक्सिस है उस पर जाकर ये लाइन मिल जाती है। और यहाँ पर जो भी वैल्यू डेल्टा एम की होगी वो कहलाएगी डेल्टा एम नॉट, और ये डेल्टा एम नॉट ही हमारा कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये जो हमने कराया है, इस लाइन को जो थोड़ा सा पीछे को हटाया है, ये टर्म कहलाती है एक्स्ट्रापोलेशन, ये टर्म कहलाती है हमारी एक्स्ट्रापोलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डेल्टा एम नॉट इज कैलकुलेटेड बाई एक्स्ट्रापोलेशन। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम डेल्टा एम नॉट को एक्स्ट्रापोलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एम नॉट क्या है, हमारा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब हम देखते हैं क्या हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स्ट्रापोलेशन के, या नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो देखो दोस्तों, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि CH3COOH है, NH4OH है, इनके लिए जो अल्फा होता है हमारा वो लेस देन 1 होता है। मतलब ये कम्प्लीटली आयोनाइज या डिसोसिएट नहीं होते हैं। इसको हम अगर हम उसके 10 मोल वाटर में डालेंगे तो हो सकता है 6 मोल या 8 मोल आयोनाइज हों, सारे मोल आयोनाइज नहीं होते हैं।
लेकिन इसमें इसकी एक खासियत ये होती है, अगर हम इनका डायलूशन बढ़ाएंगे मतलब कंसंट्रेशन अगर हम कम करेंगे तो इसका आयोनाइजेशन बढ़ता है, ये आयोनाइज होना शुरू हो जाते हैं। और जब आयोनाइजेशन बढ़ता है तो उसमें आयंस नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो डेल्टा एम जो है तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है। तो इसके लिए जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, पहले बहुत कम होता है डेल्टा एम, और धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम डायलूशन बढ़ाते जाते हैं आयंस बढ़ते जाते हैं और डेल्टा एम जो है बहुत तेज़ी से इस तरह से बढ़ता है कि इसका जो ग्राफ है वो डेल्टा एम वाले एक्सिस के लगभग पैरेलल हो जाता है। मतलब इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको ब्रेक काटेगा नहीं। एक्सट्रापोलेशन में क्या हो रहा था, वो इस तरह से काट रहा था तो वहाँ पर जो वैल्यू होती थी वो हम कह रहे थे कि डेल्टा एम नॉट हो गया। यहाँ पर एक्सट्रापोलेशन पॉसिबल नहीं होता, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक्सट्रापोलेशन पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि इसमें जो है जब डायलूशन बढ़ता है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से डेल्टा एम बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जो जो ग्राफ इसका आता है वो डेल्टा एम वाले एक्सिस को नहीं काटता है। तो हम कह सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डेल्टा एम नॉट इज नॉट कैलकुलेटेड बाई एक्स्ट्रापोलेशन। देखो ये क्वेश्चन आया भी है, कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम डेल्टा एम नॉट को एक्स्ट्रापोलेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक्स्ट्रापोलेशन से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्राफ इस टाइप का आता है कि वो इस वाई एक्सिस को डेल्टा एम एक्सिस को काटेगा ही नहीं। अच्छा, अब हम जो इसके कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डेल्टा एम नॉट हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कोलराश लॉ। कोलराश एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अपना नियम दिया, उन्होंने बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम डेल्टा एम नॉट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कोलराश लॉ क्या है। तो कोलराश लॉ क्या होता है, एट इनफाइनाइट डायलूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन। मतलब इनफाइनाइट डायलूशन पर किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसके कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। जैसे माना NaCl मैंने घोल रखा है और उसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायलूशन पर मुझे कैलकुलेट करनी है, तो उसके जो सोडियम आयन बनेगा उसके उसकी कंडक्टिविटी प्लस क्लोराइड आयन बनेगा उसकी कंडक्टिविटी। मैंने फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पर डेल्टा एम नॉट इक्वल टू डेल्टा एम नॉट कैटायन प्लस डेल्टा एम नॉट एनायन। जैसे माना मैं CH3COOH ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसके लिए कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एम नॉट CH3COOH इक्वल टू डेल्टा नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये एक बनेगा नेगेटिव आयन एक बनेगा पॉजिटिव, ये एनायन और ये कैटायन। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है कि हमें दोनों कैटायन और एनायंस की अगर कंडक्टिविटीज पता हैं तो उनको हम सम करके और किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेल्टा एम नॉट निकाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो देखो किसी भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें डेल्टा एम नॉट निकालने के लिए तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का डेल्टा एम नॉट पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे CH3COOH के लिए डेल्टा एम नॉट निकालना है तो मुझे CH3COONa, HCl और NaCl का डेल्टा एम नॉट पता होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए, देखो क्या इसका क्या मतलब क्या है। देखो हम इसमें कौन कौन से आयन मिलेंगे, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो इधर देखो हमें जो है इस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं कि इधर जो आयन्स हैं वो यही दो आयन बचें बाकी आयन कैंसिल हो जाएं। इससे दो आयन मिलेंगे CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इससे दो आयन मिलेंगे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इससे मिलेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मुझे क्या चाहिए, CH3COO और H, मतलब ये चाहिए और ये चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे Na और Cl को कैंसिल करना है, इसलिए मैंने माइनस में NaCl लगा दिया है। यहाँ से Na और Cl कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, और क्या बचेगा CH3COOH जो कि इधर है। इसका मतलब अगर मुझे तीन की कंडक्टिविटी दी होगी तो इस तरह से मैं एडजस्ट करूंगा, दो को जोड़ करके एक को माइनस कर दूंगा, और वो उसमें ये देखना पड़ेगा हमें कि इधर जो आयंस हैं वो इसके इस जैसे हो पा रहे हैं या नहीं। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो NH4OH का, इसकी अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनवाइन डायलूशन चाहिए तो उसके लिए हमें तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि NH4Cl, NaOH और NaCl की। इसमें भी देखो वही तरीका है, हम आयन को जो ये दिए होंगे हमें तीन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि बाकी सारे आयन्स कैंसिल हो जाएं और इधर जो आयन्स हैं वही आयन बचें। जैसे कि यहाँ से देखो NH4OH मिल जाएगा, यहाँ से NaCl भी कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, देखो न्यूमेरिकल्स किस किस टाइप के आते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है इनफाइनाइट डायलूशन पर NH4Cl, NaOH तथा NaCl की मोलर कंडक्टिविटी इतनी इतनी और इतनी है, तो NH4Cl की इनफाइनाइट डायलूशन पर मोलर कंडक्टिविटी बताओ, NH4OH की, सॉरी यहाँ पर NH4OH होगा। तो देखो NH4OH के लिए डेल्टा एम नॉट जब हम लिखेंगे NH4OH तो
अब ये तीन दे हुए हैं हम, NH4Cl, NaOH और NaCl। देखो सबसे पहले NH4 तो आयन चाहिए, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा हमें, डेल्टा एम नॉट NH4Cl, और हमें OH चाहिए तो OH वाला प्लस करना पड़ेगा, कौन सा, NaOH। और मुझे क्या करना है, Cl माइनस करना है ना, Cl माइनस करना है क्योंकि यहाँ Cl नहीं है, तो Cl वाला आयन कौन सा है, NaCl, तो मैं NaCl को इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा NaCl। अब देखो ये कितना दिया हुआ था मुझे, NH4Cl का दे रखा है मुझे 129.1, NaOH कितना दे रखा है 217.4, और ये कितना दे रखा है मुझे 108.3। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी डेल्टा एम नॉट NH4OH के लिए वैल्यू आ जाएगी। मतलब तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी हमें दी हुई थी, उसको हमने एडजस्ट करके एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर ली। अब देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, ये क्या कह रहा है, देखो 298K पर 0.1 AgCl सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की कंडक्टिविटी क्रमशः इतनी और इतनी है, यदि 298K पर AgCl के इस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इतनी हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना कोहलरौश लॉ की एक एप्लीकेशन है, मतलब हम कोहलरौश लॉ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पता कर सकते हैं। इसके लिए देखो फार्मूला जो बनता है हमारा वो होता है अल्फा इक्वल टू डेल्टा एम नॉट डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम नॉट। अब देखो डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम सिंपल मोलर कंडक्टिविटी है, डेल्टा एम नॉट क्या है, इनफाइनिट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है। तो डेल्टा एम नॉट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कापा होना चाहिए, तो कापा देखो हमारे पास मिल जाता है, यहाँ से इन्होंने दे रखा है कापा इतना दे रखा है और मोलरिटी इतनी दे रखी है। तो हम जानते हैं डेल्टा एम का फार्मूला, हमने पहले अपने लास्ट वीडियो में समझाया था, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, कापा इंटू 1000 अपॉन एम। तो कापा यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कापा में दिया हुआ है 92.4 स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है कापा, इंटू 1000 अपॉन एम कितना दिया हुआ है मुझे 0.1। इसको देखो अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से पॉइंट हटा का जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 92.4 × 10,000, ये हो गया मेरा डेल्टा एम। अब डेल्टा एम नॉट मुझे और चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो डेल्टा एम नॉट या तो दिया हो या फिर डेल्टा एम नॉट के लिए क्या दिया होना चाहिए हमें, कोहलरौश लॉ दिया हो, कोहलरौश लॉ के अकॉर्डिंग या तो आयंस की कंडक्टिविटी दी हो या फिर तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हो। तो देखो इन्होंने आयंस की कंडक्टिविटी यहाँ पर दी है हमें, Ag आयन और Cl आयन की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा एम नॉट आ जाएगा, डेल्टा एम नॉट फॉर AgCl इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम नॉट फॉर कैटायन Ag पॉजिटिव प्लस डेल्टा एम नॉट फॉर Cl नेगेटिव। तो देखो डेल्टा एम नॉट Ag ने कितना दिया रखा है इनको, इन्होंने 61.9 प्लस ये दे रखा है 76.3, ये मेरा क्या आ जाएगा डेल्टा एम नॉट। अब उसके बाद देखो डेल्टा एम नॉट पहले निकाल लिया, डेल्टा एम नॉट मैंने ये निकाल लिया, अब हम अल्फा इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम नॉट लगा देंगे, तो क्या होता है अल्फा इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम नॉट। देखो ये डेल्टा जो है इसको मैं ऐसे बनाता हूँ डेल्टा कहलाता है, और ऐसे बनाता हूँ तो लेमडा, बात एक ही, इसको हम डेल्टा एम बोल दें, डेल्टा एम नॉट बोल दें, लेमडा एम बोल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ बुक में डेल्टा एम भी आपको मिलेगा, कुछ बुक में इस तरह से बना देते हैं, इसको हम लेमडा एम भी बोलते हैं, ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, कहीं मैं डेल्टा बोल रहा हूँ कहीं लेमडा बोल रहा हूँ, हो सकता है, तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब वैल्यू हम दो लगा देंगे, यहाँ से अपने डेल्टा एम नॉट निकाल लिया था, यहाँ से हमने निकाला अपना डेल्टा एम नॉट, और इससे हमारा आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा की वैल्यू जो है हमेशा ध्यान रखो, अल्फा की वैल्यू हमेशा या तो वन से कम आएगी या वन आएगी, कभी भी ग्रेटर देन वन नहीं आती है। अगर ग्रेटर देन वन अल्फा की वैल्यू आ रही है इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको कोहलरौश लॉ और ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो आए और उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।